नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 393। अगर पाठ संख्या बढ़ रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ज्ञान भी बढ़ रहा होगा। और आज भी बात होगी वृश्चिक लग्न में गुरु की। 392 में हम लग्न से चतुर्थ तक समझ लिए थे, अब आगे पंचम से समझते हैं। तो यहाँ पंचम स्थान में गुरु अपने ही राशि का स्थित है, और जब पंचम में स्थित है तो ये नवम और लग्न को भी दृष्टि दे रहा है। तो त्रिकोण में गुरु यदि है तो ऐसे जातक अपने जीवन में तरक्की करेंगे, और यदि दशा मिल गई तो और अच्छा तरक्की करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्लेसमेंट है, इसका प्रभाव मिलेगा, लेकिन जब तक दशा नहीं आएगी तब तक विशेष फल नहीं मिलेगा। और इस बात को यदि समझ जाएंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा जब आप किसी की पत्रिका बताएंगे। अब पांचवें में स्वराशि का है तो अच्छा व्यापार कर सकते हैं, अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, हम विवेकी होंगे। शनि होगा तो संभव है कि हम अविवेकी हों, मंगल होगा तो संभव है कि अविवेकी हों, लेकिन गुरु है और वो भी स्वराशि का है। काल पुरुष में भाग्य धर्म स्थान का स्वामी होकर के पंचम में बैठता है तो हम कह सकते हैं ऐसे जातक के पूर्वार्जित कर्म अच्छे होंगे। अब ये धन स्थान से चतुर्थ में है तो ये कह सकते हैं कि जातक को जीवन में धन का सुख भी मिलेगा। ये कुटुंब स्थान है तो कुटुंब का सुख भी मिलेगा, अर्थात हम यदि यहां ये कह दें कि कई अपने परिवारों का, अपने कुटुंबों का पालन पोषण करने वाला, यदि वहां किसी को परेशानी हो तो उसको भी संभालने वाला जातक हो सकता है। निश्चल प्रेमी स्वराशि का गुरु है, यदि प्रेम करेगा तो चाहेगा कि हम उसका निर्वाह करें। तो आप समझ ही सकते हैं कि वर्तमान समय में प्रेम करना बहुत सरल है, उसका निर्वहन करना बहुत मुश्किल। इसीलिए लोग हमेशा प्रश्न हमेशा करते रहते हैं, मेरा अफेयर टूट गया या मेरा प्रेम टूट गया, दूसरा कब मिलेगा। अब प्रेम बार बार थोड़ी मिलता है। तो आप यहां पे गुरु है, स्वराशि का गुरु है, और आप लग्न वृश्चिक का है, सौम्य राशि का लग्न है, लेकिन इसके स्वामित्व मंगल के पास हैं, और इसके सारे गुणों को यदि समझते हैं तो हम कहते हैं कि ये थोड़े विशेष रूप से सावधान होकर के काम करते हैं, और बिना बताए आपको जज कर लेते हैं। और इतना करने के बाद यदि ये किसी से प्रेम करें तो फिर वो निश्चल प्रेम ही करते हैं, और फिर जब टूटता है तो बड़ी तकलीफ होती है। तो ये हो गया यहाँ से, ये धर्म स्थान तो धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। तो वर्तमान समय में यदि हम सबको धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं बोल सकते, हमारे घर में हमारे बच्चे अब उतने आस्थावान नहीं हैं क्योंकि हमने उसको सुसंस्कृत नहीं किया, हमने उसको एजुकेशन दिया, हमने उसको ज्ञान नहीं दिया, संस्कृति का ज्ञान, अपने संस्कृति का ज्ञान नहीं दिया। तो आपने संस्कृति का ज्ञान नहीं दिया है, फिर भी यदि पंचम में गुरु बैठा है तो वो जातक अनुशासित हो जाएगा, और अनुशासन एक बहुत बड़ा धर्म है, सबको इसका पालन करना चाहिए। पिता का रेस्पेक्ट करेगा, और पिता के साथ साथ जो भी श्रद्धेय लोग होंगे या बड़े लोग होंगे उसका भी आदर करना चाहेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ उसके अनुशासन से भी आ सकता है। और यदि आपने उनमें संस्कार दिए, संस्कृति दी, तो वो और अच्छा कर पाएगा।
अब गुरु की दृष्टि यहां से लाभ स्थान के ऊपर है, सदैव लाभ के लिए या वृद्धि के लिए तत्पर रहेगा। तो वृद्धि कई प्रकार के हो सकते हैं, हमारे जीवन में वृद्धि कई प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? नौकरी कर रहे हैं तो वहां वृद्धि चाहेंगे, संतान पैदा करना है तो एक के जगह दो चाहेंगे, मकान खरीदना है तो एक से अधिक चाहिए। वृद्धि का मतलब क्या है? तो वृद्धि के लिए हर क्षेत्र में प्रगति के लिए तैयार रहेगा और करना चाहेगा, और इसकी दृष्टि लग्न के ऊपर है तो शांत स्वभाव रखेगा, शरीर को भी सुदृढ़ और स्वस्थ रखने का प्रयास यहाँ गुरु जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे स्थान में कहते हैं, छठे में शुभ ग्रह का बैठना बहुत अच्छा नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, पीछे पलट के बता देते हैं, नवमेश छठे में है, यहाँ वर्तमान में पंचमेश छठे में। आप कहेंगे नवमेश कैसे बोला? तो काल पुरुष के हिसाब से बोला। और गुरु छठे में है तो ये यहाँ बैठ के आनंद में नहीं रहता, सोचता है गलत जगह मिल गया, अब हमको लड़ाई झगड़े के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी को बीमार करना पड़ेगा, किसी को इस स्थिति में लाना होगा कि वो कर्ज ले ले। और ऐसे लोग इसके लिए ना जाते भी हैं, जरूरत नहीं है, एक रुपए की जरूरत है, दो रुपया ऋण ले रहा मिल रहा है, ले लो, आगे देखेंगे। तो हम आप लोगों को कहेंगे कि अगर ये स्थिति आपके पत्रिका में है तो आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में कुछ विशेष नहीं होगा, कुछ न कुछ चलता रहेगा, शत्रु कुछ बिगाड़ पाए या नहीं बिगाड़ पाए लेकिन आपके साथ जेलस रखेंगे। ये तो हो गया यहां स्थित होने से, इसको ये चीज होगा। और हमेशा हम कहते हैं कि जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो हमेशा शुभ ग्रहों के पास कम होता है अशुभ ग्रहों के अपेक्षाकृत। लेकिन यहां यदि बैठा है तो जातक अपने कार्य के प्रति बहुत उत्तरदायित्व रखेगा, यहां बैठा है द्वादश को देख रहा है तो इसको भी अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि है तो खर्च की अधिकता होगी लेकिन खर्च जेन्युइन होगा। अब आप बीमार पड़ जाएंगे तो क्या हॉस्पिटल में जाके खर्च नहीं करेंगे? किसी केस मुकदमे फंसे हुए हैं तो क्या कोर्ट कचहरी में जाकर के वकील आदि का फीस नहीं भरेंगे? भरेंगे, तो ये जेन्युइन खर्च में आ जाएगा। लेकिन हम कामनाओं के पीछे, सुख भोग के पीछे खर्च नहीं करेंगे, ये फर्क हो जाता है गुरु की दृष्टि और अन्य ग्रहों की दृष्टि से। और यहां से दृष्टि धन स्थान के ऊपर है तो कम से कम इतना धन हमेशा रहेगा जिससे आपका जीवन यापन होता रहे, आपको जीवन में कभी परेशानी नहीं। तो ये भी हमारे समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कि सप्तम स्थान में यदि गुरु हो, अब ये दिग्बल शून्य हो जाता है लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता। सप्तम स्थान में गुरु है, सारा सुख होते हुए भी हम उस सुख से संतुष्ट नहीं होते। अब ये पहला कारण क्या है कि इसके सामर्थ्य में भी कमी हो जाती है, बल में भी कमी होता है, आगे आप लोग समझिएगा, पाठ तो आता ही रहेगा। दूसरा कि ये नवम के साथ साथ द्वादश का भी तो स्वामित्व रखता है ना, तो कुछ प्रभाव उसका भी करने लगता है, और बुरा तो थोड़ा भी हो जाए तो ज्यादा दिखता है, अच्छा बहुत हुआ नहीं दिखेगा लेकिन बुरा थोड़ा सा भी हो जाए तो बहुत परेशानी। तो अब यहां पर बैठ करके गुरु सेपरेशन नहीं होने देता, अन्य अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मैरिटल लाइफ तबाह हो गया
एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर कोई पूरब और कोई पश्चिम की तरफ मुख करके सो रहे हैं, लेकिन अलग नहीं हो पा रहे, क्योंकि गुरु है यहाँ, ये मेलिफिक प्रभाव है। तो कभी कभी गुरु की स्थिति दो समय पे बहुत खराब होता है, जब हम किसी चीज से छूटना चाहते हैं और हमें छूटने नहीं देता, और जब हम मृत्यु चाहते हैं तो हमें मृत्यु नहीं देता। उदाहरण में आगे आप लोगों को बताते रहेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर है और गुरु की ही दशा है, गलती से अंतरदशा नाथ पीड़ित है और उसने हमको चोट चपेट दे दिया, ब्रेन हेमरेज दे दिया और इतना भयंकर दिया कि हम कोमा में चले गए, तो कोमा में रह लेंगे लेकिन जहां प्राण नहीं निकलेगा। तो ये वाला जो सिचुएशन होता है ये बड़ा खराब होता है। तो हम कहते हैं कहीं कहीं इसका अच्छा होना भी जातक के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन वो एक समय अंतराल की बात होगी, कब ऐसा क्या नहीं होता। तो जब आपको दाम्पत्य जीवन का सुख चाहिए तो मैं भी वहां प्रॉब्लम कर दे कुछ, यात्रा चाहिए तो कोई बात नहीं, मंगलमय यात्रा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से दृष्टि 11th के ऊपर भी है और यहां से दृष्टि 3rd के ऊपर भी है, और ये केंद्र के स्थान में और चौथे से ज्यादा बलवान ये सप्तम स्थान होता है। इसलिए जातक को जितना भी सुख मिल जाए, जब तक वो शादी वादी नहीं करता तब तक वो सोचता है कि पैसे बहुत हैं, शादी नहीं हो रही। लोगों का प्रश्न आता है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लड़की अच्छी नहीं मिल रही। तो चलिए ये तो अलग हो गया, लेकिन हमारा कहना है कि जब ये इस और इस स्थान पे दृष्टि देता है तो जातक स्वयं के पराक्रम से, स्वयं के ताकत से अपने जीवन में तरक्की करता है। किसी बरद हस्त की जरूरत इसे नहीं होती, अपने बाहुबल से जीवन को आगे निकालता है, अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। लग्न के ऊपर दृष्टि है तो संतोषी प्रवृत्ति का होगा ये कह सकते हैं। अष्टम में गुरु को अच्छा नहीं मानते, और ये पंचमेश होकर के अष्टम में आया है तो दोनों परेशानी दे सकता है। अन्य ग्रहों का यदि बहुत बुरा प्रभाव है तो संतान होने में तो दिक्कत हो गई, लेकिन एजुकेशन आप ले सकते हैं। लेकिन लोग कह देते हैं कि हम कहते हैं कि एजुकेशन में परेशानी नहीं हुई होगी, हुई होगी, तो कहते हैं नहीं सर, एमए पीएचडी ये एमबीए वो एमबीए सब कर लिया, कर क्या रहे हैं सर, बस ये नौकरी कर रहा। तो क्या एजुकेशन के हिसाब से प्राप्ति हुई? क्या आपने जो डिग्री सर्टिफिकेट हासिल कर लिया उसको सिर्फ हासिल ही किया या उस पर कुछ काम किया? साधारण 10वीं पास भी अच्छा तरक्की कर सकता है, 12वीं पास भी कर सकता है, ग्रेजुएट होना मतलब अब तो आप आईएएस भी बन सकते हो, और मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करके भी यदि आप जैसे तैसे ही अपना जीवन गुजार रहे हैं तो इसका मतलब आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया। लेकिन यदि हमारा मन किसी भी तरह से शोध कार्यों की ओर हो तो हम यहां एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब इसकी दृष्टि अगर यहां है तो इस स्थान पे पड़ता है, यहां है तो धन स्थान को देख रहा है और यहां है तो सुख स्थान को भी देख रहा है। तो संभव है कि गुरु की दशा अंतर दशा में विदेश जाए, संभव है कि गुरु की अंदर दशा में हम प्रॉपर्टी का लाभ लें, संभव है कि गुरु की अंतरदशा में धन की प्राप्ति हो, वाणी समृद्ध होगा, कुटुंबों से मेल जोल होगा, सामान्य धन रहेगा, ये सब तो गुरु की स्थिति से पता चल ही जाता है। अब हम हमेशा यही कहते हैं कि
आपके पास जब पत्रिका आ रहा है और उस समय यदि गुरु की अंतर्दशा चल रही है और उस वक्त जातक जिसकी पत्रिका हमारे सामने है उसका उम्र कितना है, वर्तमान समय में वो कर क्या रहा है, उसकी परिस्थिति कैसी है, इस विषय को भी समझना बहुत जरूरी है। हम इसीलिए कहते हैं कि 50% आप प्रिंसिपल यूज कीजिए और 50% देश काल परिस्थिति को समझिए। पूछ लीजिए यहाँ है कि विदेश में है, कोई विदेश का ऑफर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यदि आप पूछ लेंगे तो बताएगा, तो आप कहेंगे कि ये संभावना है, थोड़ी ताकत लगाइए। मकान खरीदना चाहते हैं और अंतर्दशा गुरु की है और गुरु यहाँ बैठा, संभावना है, ताकत लगाइए, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन चूंकि गुरु यहाँ आ गया तो ऐसे जातक प्रसन्न नहीं रह सकते, बहुत उसके प्रसन्नता में कमी तो 100% होगा। प्रॉपर्टी खरीद लिया, हाँ खरीद ली, लेकिन प्रसन्न होना चाहिए, इतना बड़ा काम किया आपने, लेकिन नहीं, बहुत संतुष्ट और प्रसन्न है ही नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि आठवें स्थान में गुरु के फल को भी समझना बहुत सरल है, और आठवें स्थान में कोई भी ग्रह जाता है तो वो अपने स्वाभाविक कारकत्वों की हानि करता है, इस बात को भी ध्यान में रख करके बताना है। उम्मीद करते हैं कि क्रम से ही आप लोग पढ़ते होंगे और वर्तमान समय में पाठ हमेशा आता जाता रहता है। जनवरी और जून में हमारे यहाँ APA एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का बैच स्टार्ट होता है। तो जो लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा जल्दी सीखें, क्योंकि इसमें तो पाठ आते रहेगा, ये एक सागर की तरह है, चलता रहेगा, तो वहाँ नामांकन आप करा सकते हैं, स्क्रीन पे ID वगैरह चलता है, फ़ोन नंबर चलता है, आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी लगातार आप पाठ पढ़ते रहें। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।